दिल्ली में बने राजघाट को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। केंद्र सरकार के इस आदेश से देश के सभी कांग्रेसियों ने शुक्रवार को गांधी स्मारक के नीचे बैठकर केंद्र सरकार के इस आदेश का विरोध दर्ज कराया। पूर्व पार्षद ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद का राजघाट के पास 24 और 25 जून को कोई कार्यक्रम था, जिसकी वजह से राजघाट में प्रवेश केंद्र सरकार के आदेश द्वारा बंद कर दिया था। आज जो है गांधी जी के हमारे यहाँ बैठने का उद्देश्य ये है कि 24-25 तारीख को जो दिल्ली के अंदर राजघाट 2 दिन के लिए बंद किया गया था, वो इस देश की तारीख के अंदर एक निंदनीय दिन था, जो कि इसलिए बंद किया गया था कि विश्व हिंदू परिषद का वहाँ पास में कार्यक्रम, क्योंकि हिंदुस्तान में 2 विचारधाराएं हैं, एक गांधीवाद विचारधारा, एक फासिस्टवाद। फासिस्टवाद का नाम है गोडसे, विचारधारा की निंदा करते हैं और जिस विचारधारा को और विचार जिस विचारधारा से पूरा देश चलता है उसका नाम है गांधी विचारधारा। आज हमने उपवास दिया है 3 से 4:30 बजे तक, अपने मुंह पर, हाथ पर, कान पर सांकेतिक हाथ लगाकर, मुंह पर, कान पर और आँखों पर सांकेतिक बताया कि बुरा नहीं कहना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं देखना, उसी के सिद्धांत को हम मानते हुए उसका अनुरूप करते हुए देश भगवान उनको सद्बुद्धि दे जो इस तरीके से कृत्य कर रहे हैं और गांधी को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और इस मुल्क की मजबूती के लिए दुआ करते हैं। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।